देश के ज्यादातर एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं ने एनडीए को करीब 350 सीटें दी हैं। इन एग्जिट पोल से ऐसा ही लग रहा है कि देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी की वापसी हो सकती है। अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बीजेपी की सत्ता में वापसी के संकेतों ने केवल विपक्ष को ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सुर बदलने को मजबूर किया है। चुनावों के दौरान चीन और पाकिस्तान में तमाम तरह के आंकलन किए जा रहे थे। इसमें इंडी गठबंधन को बहुमत की ओर बढ़ता दिखाया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद इन दोनों ही देशों की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू हो गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने देश के एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार अपनी घरेलू और विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी, वो देश की आर्थिक तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। चीन के एक्सपर्ट कियान फेंग के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नीति पर आगे बढ़ेंगे। कियान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत बनाना है। वैश्विक कूटनीति के माध्यम से वो भारत को प्रमुख शक्ति बनाना चाहते हैं। चीन के एक्सपर्ट ने चीन के लिए भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बातचीत के जरिए संबंधों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकन मैगजीन न्यूज वीक में छपे नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की कुछ बातें छापी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के अच्छे संबंध न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि इस क्षेत्र और दुनिया के लिए जरूरी है। विश्लेषकों के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। एक्सपर्ट्स का नाम लेकर ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि चीन और भारत के बीच विवाद के मुद्दों पर बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में छपने वाले आर्टिकल को चीन सरकार का अनधिकृत बयान भी समझा जा सकता है। इस आर्टिकल से एक बात साफ है कि एग्जिट पोल का आंकलन सामने आने के बाद चीन का रुख भारत को लेकर नर्म है। बात सिर्फ चीन की नहीं है, पाकिस्तान के अखबारों में भी एग्जिट पोल के आंकड़े बताए गए हैं। ये भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि राम मंदिर का असर हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी वाली छवि का फायदा हुआ है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार जीतना तो पक्का है और चर्चा इस बात पर हो रही है कि तीसरे टर्म में जीतकर आने के बाद पीएम मोदी क्या करने वाले हैं।